मंडे टू संडे एनी टाइम फेवरेट ब्रेड रोल। जी हाँ, आज हम बनाएंगे क्रिस्पी ब्रेड रोल, सबके फेवरेट। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की मजेदार रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कमल। स्वागत है आपका कमल्स मास्टर किचन में। सबसे पहले हम फिलिंग बनाएंगे। हमने ये 3 बॉइल्ड आलू लिए हैं और ये ठंडे होने चाहिए। सबसे पहले अब हम इन्हें मैश कर लेते हैं। ऐड करेंगे इसमें ये प्याज, एक लिया है हमने, और इसको हमने बारीक काट लिया, ये ऑप्शनल है। अदरक 1 टीस्पून, हरा धनिया थोड़ा सा, हरी मिर्च 2 जिनको हमने बारीक काट लिया है। साथ में ऐड करेंगे मसाले, लाल मिर्च पाउडर 3/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, भुना जीरा 3/4 टीस्पून, आमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और साथ में डालेंगे अजवाइन 1/4 टीस्पून। इसको ऐसे हाथ से क्रश कर लेंगे और इसमें डाल देंगे, ये हाजमे के लिए अच्छी रहती है। इन्हें अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अब हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें से आप क्या कीजिए, थोड़ा सा हिस्सा लेके आप टेस्ट कर लें, ताकि इसकी सीजनिंग में अगर कुछ कमी है तो आप उसको अभी एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है मिर्च मसाले, तो हमारा मसाला ये बनकर तैयार हो गया है। इस मसाले के हम रोल्स बना लेंगे। ये देखिए, इसको अब हम एक प्लेट में रख देंगे। एक रोल और बना के दिखाती हूँ। आलू मसाले के ये रोल्स अब रेडी हो गए हैं। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये वाइट ब्रेड है, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। ब्रेड लेंगे, इसके किनारे हम निकाल दें, और ये जरूरी नहीं है कि ब्रेड रोल बनाने के टाइम हम इसके किनारे निकालें, बस इसका फिनिश लुक अच्छा आने के लिए हम ऐसा करते हैं। अगर हम इस किनारे के साथ भी ब्रेड रोल बनाएंगे तो भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और बढ़िया आएगा। सारे स्लाइसेस के हमने किनारे रिमूव करके रेडी कर लिया है। इस बाउल में हमने पानी लिया है। हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे, देखिए ऐसे पकड़ेंगे, हल्का सा डिप करेंगे, टर्न करेंगे और बहुत हल्का सा डिप करेंगे, और फिर इसको हथेली पर ऐसे रख के इसका सारा पानी स्क्वीज कर देंगे। इसे हमें ज़्यादा समय पानी में डिप नहीं करना है, इसे बढ़िया से अब हम स्क्वीज कर देंगे। आलू मसाले का जो रोल हमने तैयार किया था वो हम इसमें ऐसे डायगनली रखेंगे और इसको ब्रेड से ऐसे कवर कर देंगे, देखिए। और अब इसको ऐसे प्रेस करते हुए इसको शेप दे देंगे। थोड़ा सा दबाते जाएंगे, क्योंकि ब्रेड भीगी हुई है इसलिए ये अच्छे से चिपक जाती है, शेप में आ जाती है। ये हमारा ब्रेड रोल बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम बाकी ब्रेड के भी रोल्स बना लेंगे। सारे ब्रेड रोल तैयार कर लिए हैं, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अभी हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। ये ब्रेड रोल को क्रिस्पी बनाने के लिए इन्हें हम 20 से 25 मिनट के लिए सूखने देंगे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, जिससे इनका जो मॉइस्चर है ना वो कम हो जाएगा और ये क्रिस्पी बनेंगे। तेल हमने कढ़ाई में डाला था, इसको भी हमने गरम कर दिया मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसमें अपने ब्रेड रोल फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमेशा हमारी मीडियम पे रहनी चाहिए, हाई पे नहीं होनी चाहिए। हाई पे होने से क्या होगा, ये ऊपर से तो पक जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, और अगर फ्लेम को हम लो कर देंगे तो ये ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए बेस्ट है फ्लेम हमेशा मीडियम पे हो। अभी हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। इसमें अब बबल्स ऊपर से कम होने लग गए हैं, तो अब हम स्पून की मदद से इसको टर्न कर देंगे, हिला देंगे। इसे ऐसे हिलाते डुलाते रहेंगे अब हम, ताकि ये इवनली कुक हो जाए। हल्के हाथों से इन्हें हिलाना है। इसे हमें
तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। रेडी है क्रिस्पी ब्रेड रोल। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं और ना ये फटे हैं और एकदम क्रिस्पी हैं। इस तरह हम अपने बाकी के भी ब्रेड रोल फ्राई कर लेंगे। इनको अब हम एक प्लेट में निकाल लें। ये देखिए सारे ब्रेड रोल बनकर तैयार हो गए हैं, एकदम ये क्रिस्पी बने हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे ग्रीन चटनी और केचप के साथ, जिससे इसका मजा और भी दुगना हो जाए। ये लीजिए, तैयार हैं गर्मा गर्म ब्रेड रोल ग्रीन चटनी और केचप के साथ। जरूर बनाएं कभी भी, ये सबको पसंद आएंगे। बस इस रेसिपी को फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो और वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल कमल्स मास्टर किचन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। बाय।